हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है। आप मुझे अन अकेडमी पर मेरे नाम ललित कुमार से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर CSIR गेट टिफर जेट्स एग्जाम से रिलेटेड फिजिक्स के वीडियोस बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ कोर्स अपलोड किए हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे अन अकेडमी के कुछ कोर्सेज हैं, आप जाकर इनको देख सकते हैं। मैंने इन सभी कोर्सेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाकर इनको देख सकते हैं और आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स, और आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स में एक क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा जस्ट 2016 में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स एम दिया हुआ है और हमको ये बताना है कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो हमको इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, मतलब एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स एम दिया हुआ है और हमारे पास चार ऑप्शन है A B C D। इसमें से हमको ये बताना है कि कौन से ऑप्शन की मैट्रिक्स, मतलब ए ऑप्शन की मैट्रिक्स, बी ऑप्शन की मैट्रिक्स, सी ऑप्शन की मैट्रिक्स या डी ऑप्शन की मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये लिखते हैं क्वेश्चन में हमको कौन सी मैट्रिक्स दी है। तो क्वेश्चन में हमको याली मैट्रिक्स दी हुई है M=2:2:1:1:2। ये मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन में गिवन है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, कॉस पाई एम अपॉन सिक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, मीन्स इसकी वैल्यू हमको मैट्रिक्स फॉर्म में फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, अब इस पाई एम अपॉन सिक्स को मैं ए मान लेता हूं। ये मेरे पास एक ए हो गया, A=πm/6। अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मैं यहाँ पे एम की वैल्यू लगा देता हूं और एम की वैल्यू मेरे पास ये है 2:1:1:2। ये मेरे पास एम की वैल्यू है। अब मैं इस पाई बाय सिक्स से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बन गया ए, तो ए मेरे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया है π/3, π/6, π/6 और π/3। तो ये आ गया। अब हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन A-λI, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा, π/3 λ π/6 π/6 π/3 λ = 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ गया π/3 λ² - π/3²² = 0। तो हमारे पास ये आ गया। अब ये फॉर्मूला बनना A²-B² का, तो हमने इसमें यहाँ पे ऐसे लिख लिया π/3 λ + π/6 π/3 λ - π/6 = 0। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, π/2 λ। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, π/6 λ = 0। तो हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई λ1 = π/6 और दूसरी आ गई λ2 = π/2। तो अब हम इन आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू λ1 = π/6। तो अब π/6 वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो सपोज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है x1=ab, तो ये मेरे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो अब आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जहां पे ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा आ रहा है, तो इस लैम्डा की जगह हम पुट कर देंगे π/6। तो यहाँ पे हमने π/6 पुट कर दिया, यहाँ पे π/6 पुट कर दिया और ये हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर ab = 0। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, π/6 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 π/6, और ये हमारे पास कितना था ab। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, π/6a + π/6b = 0। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, π/6a + π/6b = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन
सेकेंड है, ये हो गया। अब देखिए इसमें से पाई अपॉन सिक्स कॉमन आ रहा है, ए वाली में से फर्स्ट वाली में से पाई अपॉन सिक्स ए कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इज इक्वल टू माइनस का ए आ जाएगा। अब मैंने ए को मान लिया के, मैंने सपोज कर लिया ए इज इक्वल टू के, तो जब मैंने ए इज इक्वल टू के सपोज कर लिया तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का के। तो आइगन वेक्टर कितना हो जाएंगे, एक्स वन इज इक्वल टू ए भी था आइगन वेक्टर, ए की वैल्यू के थी, बी की वैल्यू माइनस के थी, तो हमारे पास एक्स वन कितना आ गया, के माइनस का के। अब ये जो आइगन वेक्टर है ये अननॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है, अब मैं इसको नॉर्मलाइज करता हूं और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे लैम्डा टू के लिए आइगन वेक्टर, फिर लैम्डा टू के लिए आइगन वेक्टर आ जाएंगे, फिर हम इन दोनों आइगन वेक्टर को एक साथ लिखेंगे तो एक मैट्रिक्स बनती है, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे पी मैट्रिक्स, फिर हम पी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर लेंगे, डायगोनलाइज करने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर है एक्स वन इज इक्वल टू के माइनस का के, अब ये हमारे पास अननॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है, हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो नॉर्मलाइज कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो नॉर्मलाइज कंडीशन हमारे पास ये होती है ब्रा एक्स वन कैट एक्स वन इज इक्वल टू वन, तो हम इसकी ब्रा फॉर्म लिख लेंगे तो वो होगी हमारे पास के माइनस का, ये हमारे पास कैट फॉर्म है के माइनस के, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हो जाएगा टू के स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन अंडर रूट टू, तो एक्स वन कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स वन की वैल्यू थी ए बी और ए बी हमारे पास कितना था के और बी हमारे पास कितना था माइनस का के, तो यहाँ पुट कर दिया वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस का वन अपॉन अंडर रूट टू, तो ये हमारे पास एक्स वन की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे लैम्डा टू के लिए, और लैम्डा टू कितना था हमारे पास पाई बाई टू, अब लैम्डा हमारे पास कितना था पाई बाई टू, तो देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स टू इज इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास माइनस था बस इसमें हमारा प्लस आ जाएगा, तो वन अपॉन अंडर रूट टू वन अपॉन अंडर रूट टू, तो हमारे पास एक्स वन की वैल्यू भी आ गई और एक्स टू की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन दोनों आइगन वेक्टर को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बना लेंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे पी मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास होती है पी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, एक्स वन हमारे पास आइगन वेक्टर है, एक्स टू भी हमारे पास आइगन वेक्टर है। अब देखिए इन दोनों आइगन वेक्टर में वन अपॉन अंडर रूट टू आ रहा है, तो हम वन अपॉन अंडर रूट टू कॉमन ले लेंगे, तो यहां से हमने वन अपॉन अंडर रूट टू कॉमन ले लिया, तो ये हो गया वन माइनस वन वन वन, ये हमारे पास है एक्स वन की वैल्यू वन माइनस वन, ये हमारे पास एक्स टू की वैल्यू है वन वन, तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स बन गई, इसको हम बोलते हैं पी मैट्रिक्स। अब पी मैट्रिक्स का हम ले लेते हैं पी इनवर्स, तो पी इनवर्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा पी इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू, ये हो जाएगा वन माइनस वन वन वन, ये हो गया। हम पी इनवर्स में करते क्या है, तो पी इनवर्स में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, हम इनको फ्लिप कर देंगे, यानी कि इसकी जगह ये आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ये फ्लिप हो जाएंगे और इन दोनों के आगे माइनस लगा देंगे, तो इनको हम प्लस फ्लिप करेंगे तो ये तो वन वन के रहेगा क्योंकि दोनों आपस में सेम है, तो ये वन वन रहेगा। अब इसके आगे हम माइनस लगा देंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इनवर्स निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डायगोनलाइज करेंगे, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई थी, अब उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, डायगोनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ये हो जाएगा। अब हम इसको डायगोनलाइज करेंगे तो यहाँ पे पी इनवर्स की वैल्यू लगा देंगे, फिर ए की वैल्यू लगाएंगे और फिर पी की वैल्यू लगाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई बाई सिक्स जीरो जीरो पाई बाई टू, और हम इसको ऐसे भी डायगोनलाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आइगन वेक्टर है, जो आइगन वेक्टर थे हमारे पास ए मैट्रिक्स के, वो कैसे थे हमारे अलग अलग, यानी कि डिस्टिंग्विशेबल आइगन वेक्टर थे। जब आइगन वेक्टर आपस में अलग अलग होते हैं तब हम उन आइगन वेक्टर को हम उन आइगन वैल्यू को, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स थी ए, हमने उस ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड करी थी और वो आइगन वैल्यू हमारी कैसे आई थी, डिस्टिंग्विशेबल आइगन वैल्यू आई थी, मतलब वो दोनों आइगन वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट थी। पहली आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी थी, लैम्डा वन इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, और दूसरी आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी थी, लैम्डा टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, जो कि आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो जब इनडिस्टिंग्विशेबल वैल्यू होती है आपस में, तो हम उन दोनों वैल्यू को प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में रख देते हैं और सारे एलिमेंट को जीरो कर देते हैं, तो ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू लगा दी, ये हमारे पास लैम्डा वन की वैल्यू है, ये हमारे पास लैम्डा टू की वैल्यू है, और जितने मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे उन सबको जीरो कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास
इनडिस्टिंग्विशेबल आइगन वैल्यू है, तो उनको प्रिंसिपल डायगोनल में पुट कर दीजिए और सबको जीरो कर दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉस पाई अपॉन सिक्स एम की वैल्यू। तो ये हमारे पास कैसे आ सकती है, अब देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जब यहां से मैं ए फाइंड कर लूं इंडिविजुअल और उसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन सिक्स एम। देखिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी थी, पाई अपॉन सिक्स एम, और कॉस ए कब होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से, तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस पाई बाई सिक्स एम हो जाएगा। तो यहां से मेरे को ए निकालना है बाहर, अब यहां से मेरे को ए बाहर निकालना है। तो यहां से ए मेरा बाहर कब आएगा, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पी से, और यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा पी इनवर्स से। तो ये हो जाएगा पी डी पी इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा पी पी इनवर्स ए पी इनवर्स, और पी इनवर्स पी कितना होता है हमारे पास, वन होता है, तो पी इनवर्स पी भी वन होगा, और पी इनवर्स पी भी हमारे पास कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा पी डी पी इनवर्स इज इक्वल टू ए। अब देखिए हमारा ए इंडिविजुअल हो गया, अब इस ए को हम कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम कॉस पुट कर देंगे तो कितना जाएगा, कॉस पाई बाई सिक्स एम। इसी तरीके से ये हो जाएगा पी कॉस डी पी इनवर्स, ये हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब पी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये थी हमारे पास पी की वैल्यू, हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये हमारे पास कॉस डी की वैल्यू आ जाएगी, कॉस डी डी हमारे पास कितना था ये, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई सिक्स, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई सिक्स कॉस पाई बाई टू, ये दोनों हमारे जीरो रहेंगे, ये हो गया। और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, पी इनवर्स की। अब देखिए यहाँ वन अपॉन अंडर रूट टू आ रहा है, यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट टू आ रहा है, इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, वन अपॉन टू, तो मैंने वन अपॉन टू बाहर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉस पाई बाई सिक्स और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री अपॉन टू, तो हमने टू बाहर ले लिया तो कितना हो गया, वन अपॉन फोर, और ये जीरो 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 कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो हमारे पास ये कितनी आ गई, अंडर रूट थ्री जीरो जीरो जीरो, ये हमारे पास यानी मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री जीरो जीरो, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वन अपॉन फोर अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री, ये आ गया। अब देखिए इसमें से अंडर रूट थ्री हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट थ्री हमारा कॉमन आ गया तो कितना आ गया, अंडर रूट थ्री अपॉन फोर वन माइनस वन माइनस वन वन, ये आ गया। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है। तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, मैट्रिक्स के फॉर्म में, और इसका आंसर क्या आया हमारे पास, बी। तो बी वी द राइट आंसर। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जो कि जेट्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू।